सभी दर्शकों, आप सभी को मेरा सादर जोहार जोहार। क्रांतिकारी जय रावण, जय लंकेश, जय भीम। साथियों, आज मैं हमारे इस भारत देश की एक ज्वलंतकारी सब्जेक्ट को लेकर के, विषय को लेकर के आया हूँ, जिसके नाम से और जिसके वजह से पूरा भारत भूमि जल रहा है। वह है NRC, NPR और CAA। आज केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार से कानून लाया जाता है और कहा जाता है हमारे भोले भाले लोगों को कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से पीड़ित, वहाँ के पीड़ित हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म के अलावा हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, जो वहाँ पीड़ित है, उसको भारत में शरण दिया जाएगा और उसको नागरिकता दी जाएगी। दूसरी बात कि वहाँ यहाँ की जो मूल निवासी है, जो अपने एक पीढ़ी हो चाहे दो पीढ़ी हो, उसका जन्म भारत देश में हुआ है, उसको उसकी मूल निवासियत के आधार पे 1971 की रिकॉर्ड के अनुसार उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। इस प्रकार से एक बहुत बड़े ज्वलंतकारी मुद्दा को लाया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी समाज, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी कौम के लोग हो, दूसरे कौम के लोग दूसरे कौम के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करता। अब इसके पीछे ये कहता है कि भारत देश का पीएम, जो पीएम है नरेंद्र मोदी, ये कहता है कि जो तीन देश से जो आएंगे, वह तीनों देश मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री है इसलिए वहाँ की मुस्लिम जो पीड़ित नहीं है, वहाँ के मुस्लिम अगर शरण लेंगे तो उसको हम शरणार्थी शरण नहीं देंगे। तो इस टाइप का बात करना मेरे अनुसार तो बेवकूफ़ी और बेफुजूल लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे तो क्या भारत देश में हिंदू लोग पीड़ित नहीं हैं? पहला जवाब तो ये दीजिए मेरे को कि भारत देश में क्या हिंदू लोग पीड़ित नहीं है, या हिंदू को बहुसंख्यक बताते हो तो हिंदू लोग यहाँ सबसे ज़्यादा, अगर भारत देश में कोई पीड़ित है तो हिंदू लोग पीड़ित है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते भाई? कोई भी बाहर का व्यक्ति, दूसरे काम का व्यक्ति किसी दूसरे काम में प्रताड़ित करने के लिए शोषण नहीं करता, उस काम में ही उसका शोषक रहता है। तो आज इस NRC, CAA और NPR का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे आदिवासी समाज में पड़ेगा। कैसा पड़ेगा मैं बता दूँ, ऐसा नहीं कि हमको नागरिकता देना पड़ेगा तो ऐसा वैसा होगा, मैं नहीं मानता उसको, क्योंकि हमारे ऊपर पहले से भी NCR लागू है। कैसे लागू है? आज भी हम जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो 1950 का मिसर रिकॉर्ड देते हैं, तब हमारा जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो पहले भी हमको आदिवासी होने की प्रमाण मांगा गया और आज हमको भारतीय होने का प्रमाण मांगा जाएगा, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क इस बात का पड़ेगा, जिस प्रकार से बांग्लादेश से आए बांग्लादेशियों को आपने पंखा जूर झारखंड बस्तर में बसाए, वहाँ की आदिवासी को खदेड़ करके, उसी प्रकार से तीनों देश से आप आएंगे शरणार्थी, तो उसको आप किसी अच्छे जगह में यहाँ के हिंदुओं को हटा करके, मुस्लिमों को हटा करके, ईसाइयों को हटा करके, बौद्धों को हटा करके, जैनों को हटा करके नहीं बसाएगा, वहाँ के आदिवासी को हटा करके बसाएगा। इस बात की पीड़ा है हमको, इस बात की दुख है हमको। आज आप जाकर के देख लीजिए पंखाजूर बस्तर, जहाँ पांचवी अनुसूची है, वहाँ पे आज बांग्लादेश से आए विदेशियों को शरणार्थी दिया गया था और हमारे लोगों को वहाँ से खदेड़ा गया, और उनके धर उन विदेशियों के प्रभाव में आने से वहाँ के हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया। घर वापसी आंदोलन चलाता है कोई आकर के कि कहता है कि घर वापसी आंदोलन चलाना है, कोई कहता है लव जिहाद चलाना है, किसको घर वापसी करवाओगे? जो हमारे आदिवासी ईसाई बन गए हैं उसके लिए यहाँ की छत्तीसगढ़ का नेता घर वापसी आंदोलन चलाया,
तो मेरे को ये बताइए, घर आपसी आंदोलन चलाने की जरूरत क्या है? आप पहले अपने लोगों को वो सुविधा दीजिए, जिस सुविधा के लालच में हमारे लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है। वही कोई भी धर्म हो, कोई भी काम हो, किसी व्यक्ति को मजबूरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, क्योंकि आज कोई किसी एक भी ऐसे अन्य कौम के लोग बता दो जो मुस्लिम धर्म अपनाए हैं कि वो मजबूरन उसको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़े कि मजबूरन उसको ईसाई धर्म अपनाया हो। धर्म ऐसा चीज़ है जिसको मजबूर अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, वह स्वेच्छा से अपनाएगा तब वह धर्म स्वीकार करेगा। कोई मुस्लिम बनेगा तो स्वेच्छा से अपना खतना कराएगा, उसका पूरा जो सिस्टम को अपनाएगा, अल्लाह के सामने स्वेच्छा से वह अपना सिर झुकाएगा, तब तो वह सच्चा मुस्लिम बनेगा, मुस्लिम मानेगा उसका मौलाना। कि कोई मजबूर वंश उसको पहना दिए, टोपी लगा लिए, दाढ़ी और ज़बरदस्ती खतना कर दिया, उसको मुस्लिम बना दिया, ऐसा होता है? मजबूरन किसी धर्म में मजबूरी, मजबूरन ज़बरदस्ती किसी कौम को नहीं अपनाया जाता, व्यक्ति अपना स्वेच्छा से अपनाया जाता है। और स्वेच्छा कब आता है? कि वह व्यक्ति पीड़ित रहता, इसलिए वह अपने सुख के तलाश में, चैन के तलाश में, अमन की तलाश में वह अन्य धर्म को अपनाता है, क्योंकि उसको अपने जो जिस व्यवस्था में है उस व्यवस्था से उसको पीड़ा है, उस व्यवस्था में उसको तकलीफ है, इसलिए वह अपने इस व्यवस्था को छोड़ करके उस व्यवस्था को अपनाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, घर वापसी चला आंदोलन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी व्यवस्था में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, उसकी कहाँ कहाँ वह किस टाइप किस वजह से वह दुख है, उस दुख को दूर कीजिए, कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। अब दूसरी बात ये कि कहता है कि भारत की नागरिकता खत्म कर देंगे, तो ऐसा तानाशाही राज आएगा। मैं तो ये कहता हूँ, 56 इंच के सीना वाले हो, हिटलर जैसे लोग आए, हिटलर जैसे तानाशाही शासक आया, मुगलों जैसे आया, कई यहाँ आक्रमणकारी आए, आदिवासी को मिटा नहीं सका। हम पहले भी जिंदा थे, अभी भी जिंदा हैं, और पहले भी जिंदा रहेंगे। नरेंद्र मोदी, तुम्हारे कोई कोई औकात नहीं को हमको आज खत्म कर सको। मैं तो ये कहता हूँ कि आदिवासी मानव सभ्यता की जड़ है, और जिस जड़ की वजह से तुम लोग फले फूले हो, अगर उस पेड़ की जड़ को काटोगे, आदिवासी को ख़त्म करोगे, तो ये भी सोच लेना कि तुम भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि तना हो, टहनी हो, फल पत्ते हो, तुम भी खत्म हो जाओगे। इसलिए जड़ को काटने की प्रयास मत करो, सचेत हो जाओ। इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने की या लोगों में की ध्यान को भटकाने वाली काम करना बंद कीजिए, और जाति पाति धर्म कौम के नाम से लड़ाना बंद कीजिए। जिस दिन, मैं तो कहता हूँ, जिस दिन इस भारत देश, जिस समय गुणवाना राष्ट्र था, गुणवाना साम्राज्य था, कैसा था गुणवाना साम्राज्य? आज लोग कहते गुणवाना साम्राज्य में, गुणवाना शासन में, कि किसी को बिना मेहनत किए नहीं देते, लेकिन आज भारत सरकार के द्वारा कितना योजना चलाया जाता है, सब लोगों को आलसी बना दिए, कई प्रकार की योजना लाया जाता है, बीच के बिचौलिया लोग खा जाते हैं, आदिवासी के नाम से फंड लाया जाता है, 5वीं अनुसूची घोषणा करता है, 5वीं अनुसूची को जमीन में लागू नहीं करता, जिन्होंने पूरे दुनिया को भाषा सिखाई उसकी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी जाती, जिन्होंने इस पूरे विश्व को सभ्यता सिखाई उसकी सभ्यता को, उसकी कस्टम को, आज धर्म कोड के लिए हमारे लोगों को दिल्ली में बैठना पड़ रहा है, अपना एक विशेष जनगणना के लिए मांग करना पड़ रहा है, जो शुरू से विश्व में, शुरू से अगर कोई दुनिया से अलग है तो हमारा आदिवासी समाज, अगर कोई अलग दिखता है, हट के अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका जनगणना में लिखो या ना लिखो, लेकिन वह अलग है, वो पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से अलग दिखता है, अलग है, क्योंकि वह जननी है सबका, मानव सभ्यता का जड़ है वह, मानव सभ्यता का मूल अस्तित्व है आदिवासी। आप इस मूल अस्तित्व के साथ खेलना बंद कीजिए, और हम तो ये कहते हैं कि आप NRC ला करके हमारे पूरे मूल निवासी के साथ आपने भेदभाव किया है, उसके ऊपर तानाशाही किया है, उसके जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, उनको ख़त्म करने की आपका प्लानिंग है। इसलिए अगर आपको NRC लाना है तो DNA के आधार पर लाइए ना, कब पता चलेगा कि कौन देसी है कौन विदेशी? कितना दिन से लड़ाओगे?
हिंदू मुस्लिम कुल आपस में लड़ाना है, धर्म के नाम से लड़ाना है, जाति के नाम से लड़ाना है। अब ये कहते हैं कि दलित पीड़ित है, आदिवासी पीड़ित है। मैं कहता हूँ बचपन से आज तक यही सुनते आया हूँ कि एक गरीब ब्राह्मण, अरे जो भीख मांग के जीता है उसको कोई गरीब नहीं कहता साला। कोई ऐसे मेरे को बताओ, कोई दलित भीख मांग करके जीवन यापन कर रहा है? कोई आदिवासी भीख मांग करके जीवन यापन कर रहा है? कोई ओबीसी भीख मांग करके जीवन यापन कर रहा है? कोई मुस्लिम भीख मांग करके जीवन यापन कर रहा है? लेकिन ब्राह्मण पहले भी, अभी भी और पहले भी मांगेंगे, भीख मांग करके जिंदा है उसको कोई भिखारी नहीं बोलता, उसको कोई गरीब नहीं बोलता। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों की जो आप पहरेदारी करना बंद कीजिए और वास्तविकता उसको समझिए, तभी यह देश सही रहेगा। और ऐसे करते रहोगे तो देश भी खतरे में है और संविधान भी खतरे में है। और मनुस्मृति पढ़ाना बंद कीजिए, क्योंकि आज लोगों को मनुस्मृति ही पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके हिंदू शास्त्र में मनु से ज़्यादा कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिसकी स्मृति को देखिए आप, वाल्मीकि स्मृति को, मार्तंड स्मृति को देखिए आप, उन्होंने क्या मतलब सलीका दिया है। एक मनुस्मृति के पीछे कितना स्मृति है, और मनुस्मृति के पीछे भाग रहे मनुस्मृति को लागू करने की, ऊंच नीच की दीवार खड़ा करने के लिए लागू है। जब तक हम हैं तब तक भारत की संविधान को, जब तक इस देश में आदिवासी है तब तक भारत की संविधान को कोई मिटा नहीं सकता और ना कोई खत्म कर सकता है। अगर खत्म करने की प्रयास की तो यह देश खतरे में होगा। बस इतना कह करके आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय बिरसा, उल गुलान।